All right, I can keep taking pictures anyway. Sir, so pehle se shuruaat aap se karo. हाँ जी अच्छा पूछना चाहती थी मैं तो पूछना चाहती थी दिल्ली की सरकार को खिलाने का कैसा आपको सोचा यहाँ परफेक्ट टाइमिंग वैसे तो देखिए टाइमिंग का क्या है कि सब लोग बैठे हैं जानते हैं कि ग्लैमर और खूबसूरती ने हमेशा तक तो दाज हिलाए हैं हमेशा से हिलते आए हैं और आज की भी राजनीतिक परिस्थितियों में भी खूबसूरत चेहरों की ज़रूरत पड़ती है जब इवेंट बड़े होते हैं फ़ोन आते हैं हम लोगों को जाने के लिए रैली आ जाऊँ तो बस वो ये ख्याल था फिर हमारी टीम डायरेक्टर साहब प्रोड्यूसर साहब सब लोग एक मन था कि कुछ एक ऐसा गाना तड़क भड़क वाला आए उस समय मैं दिल्ली में ही ट्रेवल कर रहा था तो आ गया अब हम गुनगुना के गा के सुना भी देते हैं एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत अच्छे लग रहे हैं मुग्धा जी यू आर लुकिंग जस्ट फैबुलस एंड कृष्णा सर आई एम ग्रेट फैन ऑफ यू ग्रेट ग्रेट फैन ऑफ यू आपकी डांसिंग को कोई मैच नहीं कर सकता मुझे लगता है दिल्ली की सरकार आपको करना चाहिए था आई वुड वेट फॉर दैट मेरी जबानी गजब है राजा नजर मेरी तलवार यार तालियां बजाइए ऐसे सूखे सूखे नहीं जहां जहां से गुजर गई सब है दिल के बीमार मैं जो दिल्ली गई एक बार हिल गई दिल्ली की सरकार मैं जो दिल्ली गई एक बार हिल गई दिल्ली की सरकार थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेल इनको डांस करवाने वाले को भी तो कर देना चाहिए लाइक वी शुड हैव लॉलीपॉप जी एंड मिताली जी टू प्लीज जॉइन अस अच्छा है प्रवीण जी आप टोपी नहीं पहनते ना समझ में नहीं आता कौन लॉलीपॉप सर है कौन कौन है अच्छा तो सर ऐसे कोरियोग्राफी कैसे सोची आप इन्होंने तो पूरा बताया कि इलेक्शन में दिल्ली गया ऐसा ऐसा सोचा इन्होंने वहाँ गाना तो आपने कैसा सोचा सर दिल्ली में जाके नहीं आया हूँ आप दिल्ली में थे लेकिन मैं यहीं पे अपने अंधेरी में हो गया था और अंधेरी और चांदीवली में मैंने सोचा कि दिल्ली तो नहीं जाऊंगा लेकिन बिल्लियों से काम कर लिया काम चला लिया तो लेकिन मुग्धा ने बहुत मेहनत की है इसमें आई एम वेरी मच हैप्पी टू सी हर टुडे नहीं कृष्णा ने दो दिन रिहर्सल किया है और मुग्धा ने एक साल रिहर्सल किया है क्योंकि क्या हुआ कि एक साल ये एक साल के बाद शूट हुआ एक साल पहले दो दिन किया था और एक साल के बाद दो दिन किया मतलब चार दिन रिहर्सल किया है बट थैंक यू एंड बहुत अच्छा लगा मुझे और गाने मुझे अच्छे मिले इसके लिए मैंने दिखा सका कि दिल्ली की सरकार हो या फिर कृष्णा फरारी से आया था तो उसी में गाना एक कर लिया हमने फरारी का थैंक यू वेरी मच और ये मिताली है ये बोलेगी कुछ फरारी के लिए जो कृष्णा को डिजाइन किया है कृष्णा के लिए ओके तो फरारी सॉन्ग तो आप लोग सबने अभी देखा कि कृष्णा बहुत ही अलग लुक में आपको दिखाई देंगे इस गाने में वी हैव वर्क्ड अ लॉट ऑन द सॉन्ग हमारा होमवर्क बहुत स्ट्रांग था क्योंकि इस बार हम लोगों को कृष्णा को एक अलग रूप में देखना था क्योंकि बहुत बॉलीवुड कर लिया उन्होंने और बहुत बॉलीवुड करवा लिया सबने उनको इस बार यू विल सी अ रियली वेरी डिफरेंट अवतार अ हॉट हंक यू नो काइंड ऑफ एन एक्टर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू सो या कृष्णा ने बहुत मेहनत करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड डांसर ऑलरेडी बस लेकिन द सॉन्ग हैज़ कम आउट रियली वेल एंड थैंक्स फॉर द सॉन्ग सर अगेन एंड थैंक यू कृष्णा फॉर परफॉर्मिंग इट सो वेल एंड इट लुक्स रियली ग्रेट And thank you Neelkant sir, thank you Manoj sir, thank you everyone, thank you Mukta. Of course, Delhi ki sarkar looks amazing too. So thank you everyone. Arey. Bye. Thank you.
मेरे जो भी हम फिल्में करते हैं या जो भी शोज वोज करते रहते हैं, फर्स्ट टाइम हाफ हार्टेडली आज जेन्युइन मैं, और जो भी मैं बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, हाफ हार्टेडली आज मैं रेडी होकर आया हूँ। मैं मेकअप वेकअप भी कर रहा था, मैंने कल प्रोड्यूसर को डायरेक्टर को भी फ़ोन किया था, मेरी बात हुई कि आज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर अस फॉर अ म्यूज़िक रिलीज़ और यू नो टू बी फॉर एन ओकेजन। इनकी जो भी मजबूरी थी आज देखा आपने कि हमने कोई ताम झाम भी नहीं किया है, कोई गेस्ट भी नहीं बुलाए या इस तरीके से नहीं, हमने बोला चलो अपने आपस में ही हम लोग विल जस्ट कम, वो भी क्योंकि पिक्चर इनकी 15 तारीख रिलीज़ है, परसों से गाने आने हैं यूट्यूब पे जी टी वी पे, तो आज फर्स्ट टाइम हाफ हार्टेडली हुआ है। बिकॉज मैं भी बहुत अपसेट था जब सुना, बहुत ही अजीब सा लग रहा था, एक अजीब सी फीलिंग भी थी, गुस्सा भी था, बोलते हैं मिक्स्ड इमोशंस थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे रिएक्ट करें क्या करें। बल्कि देहरादून में मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, देहरादून के एक मेजर हैं जिनकी डेथ हुई, मैंने अपनी फैमिली को बोला कि आप लोग जाइए वहाँ पर, मैं भी आऊँगा। अब क्या है कि दुख सबको है, तकलीफ सबको है, लेकिन अभी आप कर क्या सकते हैं, लोगों के लिए कितना कर सकते हो। मैंने बोला फिजिकली मैं शूटिंग कर रहा हूँ इतने देर से, मेरी आप आवाज़ ये वो, डे नाइट मेरी वेब सीरीज़ चल रही है, ऑल्ट के लिए तुषार कपूर के साथ एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को वक्त नहीं था, नहीं तो मैं तो इमीजिएटली फ्लाई करके चला जाता। बल्कि मैं अभी जाऊँगा देहरादून में, जो मेजर है उनके यहाँ, मैं किसी के लिए कुछ फिजिकली कर सकता हूँ, प्रेजेंट होके कर सकता हूँ, कुछ जो भी मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ, आई वुड वॉन्ट टू डू इट। तो चलिए जो भी था, लेकिन आज अपना म्यूज़िक रिलीज़ हो गया, 15 तारीख को जो है पिक्चर रिलीज़ है शर्मा जी की, लग गई। अभी तो देखिए आप अपना काम है, अपना काम करके छोड़ दो, उसके बाद फीलिंग तो अभी बाद में पता चलती है, फिर 16 तारीख को फीलिंग का पता चलेगा। फिर तब क्या होगा, फिर हम लोग बॉम्बे से बाहर चले जाते हैं ना, पिक्चर कुछ या तो ऊपर नीचे होती है या कुछ होता है, लेकिन ठीक है आज की डेट में क्या है, सी आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है। कंटेंट जो है, हमने एक लाइट हार्टेड छोटी कॉमेडी फिल्म बनाई है, बस लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुझे वो मुग्धा का गाना पसंद है, दिल्ली की सरकार, मुझे अपना गाना इतना ग्रेट नहीं लगता है, मुझे मुग्धा का गाना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो थोड़ा पेपी नंबर है, थोड़ा मासी नंबर है, तो मुझे लगता है कि वो अगर इन जितने गाने थे वो गाना मुझे सबसे बेस्ट लगा, मेरा वाला मुझे इतना ठीक ही लगा। हाय सुमित, कैसे हैं आप? कैसे संभाल पाते हैं आप इतने सारे काम, कब करते हैं, टीवी शो भी करते रहते हैं, हिस्ट्री चैनल पे आपका एक
बहुत बहुत ज़्यादा बीच में मतलब ऐसा हालत हो गई थी कि फरहाद मेरे डायरेक्टर जो हैं फरहाद सामजी बालाजी के जो ऑल्ट के लिए सॉरी जो मैं कर रहा हूँ तो उन्होंने एक दिन पैकअप कर दिया, बोले इसको भेजो सुला दो, बल्कि 20 दिन हो गए आई हैव नॉट स्लेप्ट, आई हैव बीन जस्ट शूटिंग डे एंड नाइट बिकॉज मैं कपिल के साथ करता हूँ शूटिंग, फिर अगले दिन वेब सीरीज़ करता हूँ, फिर कपिल के साथ करता हूँ, फिर क्योंकि मेरी डेटें हैं, मैंने बालाजी को डेटें मेरी दी हुई है 25 दिन की, फिर उसके साथ मेरा OMG मेरा इंडिया का भी शूट होता है, फिर उसके बीच में इनका म्यूज़िक रिलीज भी होता है। मैंने गोविंदा जी से सीखा, उन्होंने सिखाया था जब वो आए थे तो बोलते हैं मैंने 50 की थी, आज का दौर तो वैसा नहीं है तो 10 तो कर ही सकता है। शुक्र है ये पहुंच रही है थिएटर तक, तो अच्छी बात है कि क्योंकि मेहनत करके ऐसे बहुत डब्बे में पड़ी रहती है, मेरी भी एक दो हैं वो फिर आती नहीं, रिलीज़ ही नहीं होती, लेकिन मैं शुक्र मानता हूँ क्योंकि फिल्म के लिए मेहनत बहुत लगती है ना, सबका पैसा लगा होता है प्रोड्यूसर का बेचारे का और हम लोगों की मेहनत हमारा टाइम, तो वो जब बंद पड़ जाती है तो फिर बहुत दुख होता है यार इतनी मेहनत करने के बाद, तो वी आर हैप्पी एटलीस्ट सामने तो आए भले जो होना हो।